बालाघाट से परसवाड़ा बैहर पहुंची भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा। बैंक मित्रों ने सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। अनियंत्रित कार दुकान में घुसी, दो की मौत एक गंभीर, ग्राम में तनाव का माहौल। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा का 12 सितंबर को दोपहर 2 बजे बालाघाट से चलकर रथ यात्रा का लामता आगमन हुआ। भाजपा की इस जन आशीर्वाद यात्रा में नर्मदापुरम के सांसद उदय प्रताप सिंह, बालाघाट सिवनी जिले के सांसद ढाल सिंह बिसेन, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन, आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे, बालाघाट जनपद अध्यक्ष फूल सिंह सहारे और भी जनप्रतिनिधि मौजूद थे। शासन द्वारा बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देने और हर गांव को बैंक से जोड़ने के लिए जगह जगह कियोस्क बैंक सेवा शुरू की गई है, जहां विभिन्न बैंकों द्वारा बैंक मित्रों की नियुक्ति कर आम लोगों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया गया है। लेकिन शासन द्वारा वर्ष 2014 में बैंक मित्रों से किए गए वादे और उनकी लंबित मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे बैंक मित्रों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बैंक मित्रों ने मांग पूरी न होने पर आगामी दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल कर भोपाल में उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में तकरीबन 2.5 से 3 लाख लोग जो हैं बैंक कर्मी हैं, मित्र हैं हमारे, जो इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित समय पे हमारा काम अगर से हमारी मांगों को पूरी नहीं की गई तो हम संपूर्ण बैंक मित्र मध्य प्रदेश के अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत रामपुरी के घटोल गांव के नेवर गांव की ओर से आ रही एक कार के चालक से नियंत्रण खो गया और कार अनियंत्रित होकर स्कूल के पास मोड़ाई में स्थित अब्दुल खान की किराना एवं किराना चाय पान की दुकान में जा घुसी, जिससे वहां बैठे 3 लोग कार की चपेट में आ गए, जिसमें 60 वर्षीय वृद्ध हेमराज की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 50 वर्षीय भिकुलाल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिसमें गंभीर रूप से घायल ओमलाल सुलाखी को उपचारार्थ जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। घटना के बाद चीख पुकार मच गई और देखते ही देखते पूरा गांव वहां जमा हो गया। मैं आता हूं, लगता है कार चालक शराब में खराब किए थे और ये लोग तो बैठे थे, कहते एक दुकान में, ने दुकान को ही ठोस मारा है। अभी तो जानकारी के हिसाब से 3 ही लोग हैं। क्या मुझे जानकारी लगी तो मैं सीधे हॉस्पिटल आ गया हूँ और पहले जो पीड़ित है गाना उनका इलाज हुआ। कांग्रेस अंग्रेजों की सोच को लेकर चली, जिसने देश को लूटा और खोखला कर दिया, जबकि मोदी जी भारत की सोच को लेकर चले और अंग्रेजों को पीछे छोड़कर 10वें नंबर से आज दुनिया की सबसे बड़ी 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना दिया है और अगले 2 सालों में भारत को दुनिया की 3री बड़ी महाशक्ति बना देंगे। ये बातें सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बालाघाट विधानसभा की लाल बर्रा में जन आशीर्वाद यात्रा में जनसभा में कही। ये छोटे बच्चे भी आशीर्वाद देने आए, मेरी मातृशक्ति भी आशीर्वाद देने आए, मेरे बुजुर्ग भी दोनों हाथ ऊपर खड़ा करके आशीर्वाद दे रहे हैं। ये आपका आशीर्वाद और नौजवानों का साथ, मैं विश्वास दिलाता हूँ हम अपने मध्य प्रदेश के नंबर 1 राज्य बनाएंगे, नंबर 1 राज्य बनाएंगे। खैरलांजी क्षेत्र के ग्राम पंचायत मोवाड़ में माता मंदिर क्षेत्र के वार्ड में करीब 4 साल से वोल्टेज की समस्या बनी हुई है, जिससे ग्रामीणों को बिजली की समस्या को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस बारे में कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित शासन प्रशासन को ज्ञापन देकर ट्रांसफार्मर लगाकर इस समस्या का निराकरण करने की मांग की गई, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे मंगलवार को ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। पिछली बार कहा गया था कि जो 4 साल से समस्या ग्राम पंचायत मोहाड़ में माता मंदिर के पास,
एक ट्रांसफार्मर है जिसमें घर के कनेक्शन और खेत के कनेक्शन दोनों हैं, जिससे गांव में गए वोल्टेज की बहुत प्रॉब्लम रहती है। लाइट में पंखा बहुत दूर की बात है, लाइट भी बड़ा मुश्किल से चल पाता है, जिसकी शिकायत एक बार ग्राम पंचायत के माध्यम से दी गई, उसके बाद 22 अगस्त के यहाँ जनसुनवाई में दी गई, अभी तक कोई निराकरण नहीं है। उसके बाद 181 पे भी कॉल किया गया, सिर्फ बिजली विभाग वाले आते हैं, देखते हैं, हो जाएगा बोल के चले जाते हैं। हम अपने ग्राम पंचायत मुआड़ा के समस्त नागरिकों को लेकर चक्का जाम की व्यवस्था करें। जनपद पंचायत लालबर्रा के ग्राम पंचायत डोंगरिया के मुख्यमंत्री आवास मिशन के तहत लोन लिए हितग्राहियों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर लोन माफ किए जाने की गुहार लगाई है। इस दौरान खेमचंद जैतवार ने बताया कि वर्ष 2013-14 में मुख्यमंत्री आवास मिशन के तहत मकान बनाने 1,20,000 रुपये दिए जाने थे, जिसमें 50% अनुदान देने की बात कही गई थी। बैंक द्वारा हितग्राहियों को 1,00,000 रुपये दिया गया, लेकिन 50% अनुदान नहीं दिया जा रहा है। किश्त की राशि जमा करने के बाद भी बैंक द्वारा 1,00,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को 1,50,000 रुपये की राशि दी जा रही है, जिससे शासन से मांग की है कि लोन की बकाया राशि माफ की जाए। 2013 में एक मुख्यमंत्री आवास योजना लागू की गई, जिसमें सम्मानी द्वारा बोला गया था कि 50% अनुदान की राशि हम देंगे, जिसमें 1,20,000 दिया जा रहा था। हमारे अकाउंट में 1,00,000 मात्र आया, जिसमें से 50,000 शिवराशि मंत्री द्वारा दिया जाना था, परंतु वर्तमान बैंक 1,00,000 पे मैं ब्याज सहित वसूल किया जा रहा है। और ऐसे मेरे कुछ गांव के लोग हैं जिनके खातों को सील कर दिया जाता है बैंक में, उनका वृद्धा पेंशन, फलानी पेंशन, जितनी भी पेंशन आ रही है उन लोगों वंचित है। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर जिले में सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज 12 सितंबर को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को ऑपरेट करने एवं संचालन करने का प्रशिक्षण दिया गया है। ये सभी अधिकारी विधानसभा चुनाव के दौरान सेक्टर ऑफिसर का दायित्व संभालेंगे। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री DS रणदा एवं अपर कलेक्टर ओम प्रकाश सनोडिया की उपस्थिति में प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी श्री अश्विनी उपाध्याय एवं उनकी टीम द्वारा अधिकारियों को यह प्रशिक्षण दिया गया। समूचे मध्य प्रदेश में चल रही सरकार की जन आशीर्वाद यात्रा का आज परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आगमन हुआ, जहां जगह जगह पर इस यात्रा का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। इस यात्रा में मुख्य अतिथि भारत सरकार के मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, नर्मदापुरम जिले के सांसद राव उदय प्रताप सिंह, जिले के सांसद ढाल सिंह बिसेन, बालाघाट विधानसभा के विधायक व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन, परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक व राज्य सरकार में मंत्री रामकिशोर कांवरे, जिला अध्यक्ष सत्यनारायण जायसवाल आदि शोभित रथ में सवार होकर जन आशीर्वाद यात्रा के तहत जन जन का आशीर्वाद लेने परसवाड़ा विधानसभा में पहुंचे। यह यात्रा बालाघाट से समनापुर होते हुए लामटा से परसवाड़ा पहुंचेगी, परसवाड़ा से बैहर व मलाज खंड को जाएगी। जिले से सारी सीटें जिताना मध्य प्रदेश में आपके भाई को अभी जो जिम्मेदारी है, मध्य प्रदेश के इन 8 जिले के मतदाता भाइयों बहनों को माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सम्मान आपको मिला है। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा जिले की सीमा कंजई से प्रवेश करने के बाद लालबर्रा होते हुए रात को बालाघाट मुख्यालय पहुंची। मुख्यालय से यात्रा परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से होते हुए बैहर पहुंची, जो बैहर उकवा होते हुए वारा सिवनी और कटंगी विधानसभा क्षेत्र में जाएगी। जिले में जन आशीर्वाद यात्रा की अगवानी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की। बालाघाट से जन आशीर्वाद यात्रा को रवाना करके ठाकुर दिल्ली लौट गए हैं। जन आशीर्वाद यात्रा को कल शाम बैहर पहुंचना था और जिसकी आगवानी शिवराज सिंह चौहान को करनी थी, परंतु ऐन वक्त पर शिवराज सिंह चौहान का दौरा स्थगित हो गया। आज जन आशीर्वाद यात्रा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वारासिवनी और कटंगी विधानसभा में शामिल होंगी। आज सुबह जब बालाघाट विधानसभा से जन आशीर्वाद यात्रा परसवाड़ा विधानसभा के लिए रवाना हुई, तो अपेक्षाकृत भाजपा कार्यकर्ताओं की कम संख्या देखी गई और लोगों में भी वैसा उत्साह नहीं देखा गया। बीजेपी की सरकार बनी
आपने भ्रूण हत्या का पाप नहीं किया है। हिंदुस्तान में सर्वाधिक लिंग अनुपात कहीं श्रेष्ठ है मेरे अपने बाला भाई। 1,000 बेटियों पे 1,000 बेटों पे 1,000 बेटियों का भ्रम देती है। आप मां आप धन है, ये माता शक्ति तुझे प्राण, ये पार्वती माता तुझे प्राण। मध्य प्रदेश के बारे में लोग कहते थे विशेष तौर से सिंचाई योजनाओं के बारे में, हमारे हरिशंकर जी को, हमारे डॉक्टर साहब को, इन सबको पता है कि 2003 के पहले मध्य प्रदेश में कुल 7 लाख किसान के खेत को पानी देने में, 7 लाख हेक्टेयर किसान के खेत को पानी देने में सफल हुए। डोंगरिया के पास चलती कार में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिससे कार पूरी तरह से खाक हो गई। वहीं फायर ब्रिगेड वाहन ने आग पर काबू पाया है। जानकारी अनुसार बता दें कि वाहन क्रमांक MP50CA0738 स्विफ्ट डिजायर कार के चालक मुजीफुर रहमान महाराष्ट्र के भंडारा से बालाघाट आ रहा था। तभी वह डोंगरिया के पास पहुंचा ही था कि अचानक इंजन से धुआं निकलते ही आग लग गई, जिससे कार को छोड़कर कार चालक भाग निकला। वहीं देखते ही देखते कार में भीषण आग लग गई। दमकल को जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची और वाहन चालक शाहिद खान, फायरमैन राहुल वैद्य, राजकुमार नंदा, संजय ठाकरे के द्वारा आग पर काबू पाया गया।